हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सो वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। अभी हमारी सुबह हुई है और अभी बज रहे हैं एक। सुबह तो कब से हुई है, उठी थी 12 बार, फिर सो गई, फिर ये सो गया तो मैं लेटी हुई थी, अब ये फाइनली उठ गए हैं तो अभी उठे हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि इनको क्योंकि अब गर्मी हो रही है यहाँ पे, तो सोच रही हूँ कि मैं रोज़ाना मसाज दूँ और शावर दे देती हूँ। तो बस आज का अभी के लिए तो बस काम यही है कि इनको शावर देना है, इनको मसाज करना है, सो एक्टिव रहेंगे ये। और इस दौर का ला रहा है तो बस हम मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। बस भी जल्दी जल्दी हमने इनकी मालिश कर दी आगे से भी और पीछे से भी, और फिर जल्दी से इनको हमने शावर भी दिला दिया। ही वॉज क्राइंग लिटिल बिट बट ही वॉज ओके। अरे बब्बू रेडी हो गया, छोटू छोटू बेबी। और फिर नहाने के बाद मुझे याद आया कि इसके नाखून बहुत बड़े हैं, तो मैंने इसके जल्दी जल्दी से नाखून काट दिया, उसको फीड करा दिया और उसके बाद इसको सुला दिया अपनी गोद में। उसके बाद फिर थोड़ा सा सो गया था। नींद नहीं आ रही, सो जाऊं? थोड़ा सा सो गए और थोड़ा सा उठ गए, थोड़ा सा सो के बट उठ गए। शावर लिया है तो सो ना बच्चे से, क्या मिल रहा है? हाँ चलो सो जाओ, मम्मा गोद में नहीं लेंगी तुमको अभी अभी। बस फौरन उठ के बैठ गए ये साहबजादे हमारे, एंड मैंने इसको थोड़ा मोटा कपड़े पहनाए कि ताकि इसको गर्मी लगे और ये सो जाए, क्योंकि मैंने एसी खोला यार, मुझे तो गर्मी लग रही है इसके चक्कर में, मैं भी क्या गर्मी में बैठूंगी तो। लेकिन ये तो भाई, आज मैं सोच रही हूँ खाना बनाने के लिए, और खाने में मैं सोच रही हूँ कि छोलों का सालन, छोले अंडे बनाते ना वैसे बनाती हूँ, और क्या कहते हैं छोले निकाल के रखने सबसे पहले। तो मैं सोच रही हूँ कि मैंने कल नीचे वाले फ्रिज की सफाई की थी, ऊपर वाला कर देती हूँ थोड़ी सी, वैसे तो उसमें सामान है अच्छा खासा, लेकिन इट्स ओके हो जाएगा। चलो लुक एट माय फ्रिज, कितना क्यूट लग रहा है ना। सो मैं दिखा रही थी कि वैसे तो प्रीटी मच क्लीन ही है, इतना ज़्यादा कोई गंदा नहीं है, तो मैं इसको साफ़ नहीं कर रही, बट मैंने चीज़ों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दिया, सब भी खराब हो रहा था, अभी थोड़ा सामने सामने है। एंड मेरी पॉप्सिकल्स बस 4-5 ही बची हैं कोने में रखी हुई है ना, आइस लॉली जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे, पॉप्स बोलते हैं। और मैं करूँगी आज अपना आइस फेशियल, उस दिन मैंने करना था, पता क्या हुआ, मैं निकाल के भूल गई और मैंने रख दिया और वो सारा मेल्ट हो गया पानी, फिर मैंने उसको वापस फ्रिज में रख दिया। और अभी मैंने क्या हरकत की है ज़रा आप देखें, वो साफ करने लग गई और ये पानी जो है वो पूरा यहाँ तक भर गया, और ये छोले मैंने इसके अंदर खैर भिगो दिए हैं। मैंने दोनों पैकेट्स निकाल लिए हैं, देखते हैं कितने यूज़ होंगे, बाकी थोड़े से बचा के मैं इसमें से इसको रख दूँगी वापस। और मैं सोच रही हूँ इसका पानी थोड़ा कम करूँ, बट मैंने सोचा कि दिखा दूँ कि मेरी हरकत। और बस अभी के लिए तो कुछ नहीं, बस यही है। सो अभी बस मैंने अपना बेड क्लीन अप किया है एंड अपने बेबी को लिटाला है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर वो सो रहे नहीं थे, यहाँ पर भी उठ के बैठे हैं। बट अभी मैं इनको आई थिंक गोद में लेके सुला के फिर डालूंगी। तो यहाँ पे हमारे शहजादे को सोने का कोई मूड नहीं है, इनको बस जागना है। सो मैंने अभी दोपहर का खाना भी खाना है, ऑलरेडी 3:30 हो चुके हैं, तो मैंने रखे हैं चावल कुकर में बनाने के लिए, और अब मैं जा रही हूँ वॉशरूम में। 3 सीटी लगेगी तो मैं आके चूल्हा बंद कर दूंगी, जब तक मैंने सोचा कि मैं ये कर लूँ अपना फेस थोड़ा सा, देखते हैं कि इसके बाद कैसा होता है। वैसे अच्छा होता है, अच्छा होता है या नहीं होता, बट स्किन के लिए अच्छा होना चाहिए। हो गया मेरा फेस, अभी थोड़ा रेड रेड हो रहा है, बट सही हो जाएगा थोड़ी देर में। एंड अभी के लिए बस ये करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मसाला बन रहा है छोलों का, और अंडे उबल रहे हैं, चावल ऑलरेडी बने हैं, छोले ये रखे मैंने निकाल के, और बस मेरा बेबी वहाँ झूले पे बैठा है और सुन रहे हैं लाई ला ला। मेरे छोले की सब्ज़ी, क्या बोलेंगे, सालन वाले छोले रेडी हैं,
इधर बस मैं एग्स फ्राई करती हूँ, इसके बाद इसके अंदर डालूंगी। ये बिल्कुल रेडी से मैंने हरा धनिया मिर्ची एंड गरम मसाला ऑलरेडी सब कुछ डाल दिया है, बस अंडे डालने बाकी हैं। बस फिर खाना वाना रेडी हो गया तो हमने सोचा कि चलो हम लोग थोड़ा सा बाहर जाते हैं। मैं गई स्टारबक्स, वहाँ से मैंने ड्रिंक भी अपने लिए है, हेयर इट इज ड्रैगन फ्रूट। एंड फिर हम वॉमट गए ग्रोसरी वगैरह करने एंड देन वहाँ से पार्टी करके बस वापस घर पे आ गए। उसके बाद बेबी के साथ थोड़ा सा खेला। बस बेबी के साथ थोड़ा सा खेलने के बाद मैंने आटा वाटा गूना, रोटियां बनाई अपने लिए एंड रोटियां देखे ऐसी बनानी पड़ती हैं हमको यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। और मैंने उसके अंदर घी भी लगाया था। और फिर जब खाना रेडी हो गया तो हमने खाना खाया। इसका कलर इतना अजीब सा क्यों लग रहा है इसमें, बट वैसे तो कलर अच्छा है। और ये रही मेरी दो रोटियाँ, छोटी छोटी रोटी बनाती हूँ लेकिन फिर भी एक हाथ तो बराबर की है। एंड पानी, बस अभी खाना हो रहा है। एंड यस गाइस, आई एम डन विद माय डिशेस एंड मैंने बस खाना वाना खा लिया है और डिशेस वॉश करके रख दी हैं। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से दोबारा अनदर व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ऑल्सो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज, बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।